नमस्कार दोस्तों, बीएचएल 7 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट को जिस उम्मीद से शुरू किया गया था वो उस उम्मीद से कहीं बेहतर साबित हुआ है। कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए और बिहार के साथ साथ मिथिला वासियों का भी नाम रोशन किया है। इसमें स्पाइसजेट कंपनी है वो बहुत ही अच्छी भूमिका भी निभा रही है, जिसने अपना भरोसा दिखाकर दरभंगा एयरपोर्ट से सुविधा दी है। आने वाले समय में त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है और इसी को देखते हुए अब दरभंगा एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से दरभंगा की 4 फ्लाइट की सेवा होने वाली है, जिसमें से पहली फ्लाइट बेंगलुरु से 8:55 पर उड़ान भरेगी और 11:25 पर दरभंगा एयरपोर्ट पहुँच जाएगी। वहीं दूसरी फ्लाइट 9:25 पर उड़ान भरेगी और 12 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। और अगर तीसरी फ्लाइट की बात करें तो 11:55 पर उड़ान भरकर 2:50 पर दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेगी। और अगर आखिरी फ्लाइट की बात करें तो 12:35 में उड़ान भरकर 3:20 पर पहुंच जाएगी। और वहीं इसी के साथ हम लोग दरभंगा से बेंगलुरु की फ्लाइट की बात करें अगर तो 12:30 पर उड़ान भरेगी और 3:15 पर बेंगलुरु पहुंच जाएगी। और अगर दूसरी फ्लाइट की बात करें तो 3:50 में उड़ान भर के 6 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। वहीं बेंगलुरु से दरभंगा आने का जो टिकट है वो 4,000 रुपये तकरीबन रखा गया है और दरभंगा से बेंगलुरु जाने के लिए तकरीबन 5,000 रुपये। वहीं उम्मीद ये लगाई जा रही है कि दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु की फ्लाइट की संख्या बढ़ाई जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि स्पाइसजेट अभी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर अपनी राय दें और दरभंगा जरूरी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।